हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां अपना डिस्कशन चल रहा था सिक्स क्लास की साइंस के ऊपर। चैप्टर चल रहा था फूड, वेयर डज इट केम फ्रॉम, और पढ़ लिया था अपनों ने इसको पल्सेस का। ठीक है, पल्सेस के बाद में टॉपिक है स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी कि मसाले। देखिए मसाले क्या हैं। मसाले बेसिकली वो चीज़ें हैं जो आपके फूड के अंदर टेस्ट जनरेट करती है। ठीक है, फूड के अंदर क्या करती है, टेस्ट लाती है। और टेस्ट लाने के लिए ये नहीं है कि इनको भर भर के डाला जाता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसको डाला जाता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसको डालते हैं, और उस स्मॉल क्वांटिटी को डालने की वजह से आपका जो फूड है वो टेस्टी बन जाता है। ठीक है, तो टेस्टी बनाने के लिए फूड को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ डाली जाती है वो आपकी क्या है, स्पाइसेस। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लैक पेपर जो आपका है वो स्पाइसेस है। उसको बोलते हैं काली मिर्च। उसको बोलते हैं काली मिर्च। ठीक है, इसके अलावा जिंजर भी स्पाइसेस है। इसको बोलते हैं अदरक। ठीक है, इसके अलावा फेनल। ठीक है, इसको बोलते हैं सौंफ। और आप कह रहे हो सर सौंफ तो कभी हमने देखी नहीं सब्जी के अंदर। जब अचार बनता है कई बार आपके घर पे, तब थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर आप सौंफ डालते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, तो सौंफ भी आता है वो स्पाइसी है। ठीक है, कार्डमम, कोरिएंडर, टर्मरिक, तो ये आप सारे लिख लीजिए। टर्मरिक बोलते हैं किसको, हल्दी, कोरिएंडर, कोरिएंडर बोलते हैं किसको, धनिया, कोरिएंडर, धनिया। तो ये आपके स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर, जिंजर, फेनल, टर्मरिक, कोरिएंडर। ये आपकी क्या है, स्पाइसेस। ठीक है, इन सभी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं कई बार मिर्ची ज़्यादा होती है खाने के, तो कई बार क्या होता है मिर्ची जब ज़्यादा होती है फूड के अंदर, कोई भी पेपर मान लीजिए आप, ये जो मिर्च है ये अगर ज़्यादा होती है तो आपकी जो टंग है, आपका जो मुँह है वो जलने जैसा फील होता है, आपका मुँह हॉट हॉट फील करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए इसलिए होता है कि ये जो पेपर है जब आपके मुंह के अंदर जाती है तो मुंह के अंदर एक स्पेशल केमिकल जनरेट करती है, जो इसके अंदर ही होता है। ठीक है, जो इसके अंदर ही होता है वो मुंह के अंदर जाके छोड़ देती है, उसका नाम है कैप्सियन। ठीक है, वो कैप्सियन आपके मुंह के अंदर आ जाता है और मुंह से वो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जाके ये मैसेज देता है कि आपके मुंह के अंदर कोई जलन जैसा कुछ महसूस हो रहा है। बेसिकली कोई चीज़ नहीं जल रही होती है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक आपको भ्रम होता है कि मेरा मुंह जल रहा है, और ये सब इस एक केमिकल है उसकी वजह से। ठीक है, इस केमिकल की वजह से ये होता है। ठीक है, अब देखिए स्पाइसेस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेवरेज। वो है बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, तो लिख देते हैं पेय पदार्थ। और जो मेन दो पेय पदार्थ हैं वो आपके हैं टी और कॉफी। टी को बोल देते हैं अपने चाय, और कॉफी को बोल देते हैं कॉफी। टी है वो बेसिकली आपके जो प्लांट होता है टी का, उसकी पत्तियां होती है, उसकी लीव्स होती है, और जो कॉफी है आपकी वो इसकी सीड होती है, इसके बीज होते हैं। ठीक है,
कॉफी जो यूज करते हैं वो तो प्लांट का सीड होता है, ठीक है, और जो टी अपने यूज कर रहे हैं वो उसकी पत्तियां हैं, कि उसका लीफ, ठीक है। बेवरेज का यही यूज है, ठीक है। चाय पीने से, कॉफी पीने से कहते हैं माइंड रिफ्रेश होता है, ये मैंने सुना है। कॉफी से तो मैंने सुना है, चाय का पता नहीं है, ठीक है। कहते तो हैं कि आप चाय या टी अगर पी रहे हो, तो चाय या कॉफी अगर पी रहे हो तो उससे आपका माइंड रिफ्रेश, ठीक है। उसके बाद में शुगर, उसके बाद में है शुगर, शुगर देखिए किससे बनता है, शुगर कैन से। शुगर किससे बनता है, शुगर कैन से, शुगर कैन जिसको बोलते हैं गन्ना, शुगर कैन से शुगर बनता है और उस शुगर का यूज अपने करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे शुगर यानी कि चीनी और गुड़ भी बनता है, इससे गुड़ भी बनता है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। इसके बाद में अपने को देखना है ऑयल्स, इसके बाद में अपने को देखना है ऑयल्स। ऑयल जो है वो कोई भी प्लांट होता है, कोई भी पौधा होता है, उसके सीड यानी कि बीज से, सीड यानी बीज से, या फिर उसके फ्रूट यानी फल से, उसके फ्रूट। जैसे सीड अगर मैं बात करूं तो जो आपकी मस्टर्ड होती है, जो आपकी सरसों होती है, उसके बीज से इसका तेल निकल जाता है, उससे तेल निकल जाता है, ठीक है। तो वो हो गया सीड। अगर मैं नारियल के तेल की बात करूं तो नारियल उसका बीज थोड़ी होता है, नारियल उसका क्या होता है, फ्रूट होता है। तो नारियल के फ्रूट से है वो ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। तो फ्रूट बहुत ही जरूरी, सॉरी ऑयल बहुत ही जरूरी है किसके लिए, ऑयल बहुत ही जरूरी है अपने बॉडी के लिए। ऑयल से बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल है मस्टर्ड, एग्जांपल है मस्टर्ड जिसको बोलते हैं सरसों, जिसको बोलते हैं सरसों, और मस्टर्ड के बाद में सनफ्लावर, सनफ्लावर जो सनफ्लावर है उसको बोलते हैं सूरजमुखी, और मैंने जैसे बताया कोकोनट यानी कि नारियल उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो अपनी जो बात चल रही थी स्टूडेंट्स वो चल रही थी ओनली जो प्लांट का अपने एज ए फूड यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको प्लांट से मिलती है, स्पाइसेस प्लांट से मिलता है, ठीक है। बेवरेज टी मैंने बताया प्लांट की लीफ होती है, कॉफी मैंने बताया सीड होती है, शुगर, शुगर कैन यानी कि एक प्लांट है उससे मिलता है, ऑयल सीड से निकलता है, फ्रूट से निकलता है, ठीक है, मस्टर्ड और सनफ्लावर ये सारे के सारे प्लांट है। तो जो अब तक अपनी बात चल रही थी वो सारी की सारी इस बेस पे चल रही थी कि प्लांट का एज ए फूड कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, प्लांट का एज ए फूड यूज कैसे हो रहा है। अब जो अपने बात करेंगे वो करेंगे एनिमल का जो है, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट का जो यूज है वो कैसे अपने फूड के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए। अब तक तो मैंने आपको बताया कि अपने प्लांट का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, अब अपने करेंगे फूड का एनिमल से क्या कनेक्शन है। तो जो अपने फूड एनिमल से लेते हैं उसको बोलते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जितने भी अपना फूड है जो एनिमल से आता है उसको बोलेंगे फूड फ्रॉम एनिमल। और उसके अंदर जो पहली चीज है सबसे वो है आपकी जो अपना फर्स्ट है इसके अंदर वो है मिल्क, ठीक है, मिल्क इसके अंदर फर्स्ट है। अब देखिए मिल्क बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने देखा होगा कई बच्चे मिल्क नहीं पीते हैं, घर पे दूध नहीं पीते हैं तो वो थके थके से रहते हैं, ठीक है।
मिल्क क्यों जरूरी है? मिल्क से देखिए आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है? आपकी बॉडी की क्या बढ़ती है? ग्रोथ, आपकी बॉडी ग्रोथ मेंटेन करती है, ठीक है? और आपकी बॉडी क्या होती है? बिल्ड, आपकी बॉडी बिल्ड होती है, ठीक है? कहने का मतलब है कि मिल्क पीने से, दूध पीने से आपकी बॉडी का वो स्ट्रांग होती है। अब देखिए मिल्क तो ठीक है, मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी कि मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं। कौन कौन सी? मिल्क से बनता है बटर, बटर मींस बटर आपने नाम सुना होगा, पनीर, बटर को बोलते हैं पनीर। और मिल्क से मिलता है कर्ड, ठीक है? मिल्क से बनता है कर्ड, कर्ड माने दही, कर्ड माने दही। और मिल्क से बनता है चीज, मिल्क से बनता है चीज, चीज को बोलते हैं मक्खन। और मिल्क से बनता है, और मिल्क से क्या बनता है? लस्सी। और मिल्क से बनता है लस्सी, उसको अपने बोलते हैं लस्सी ही, ठीक? लस्सी बोलते हैं, लस्सी ही नहीं बोलते, लस्सी बोलते, लस्सी, ठीक है? और भी बहुत सी चीजें बनती हैं, ठीक है? घी, बटर मिल्क, तो ये सारी की सारी चीजें हैं बटर से मिलती है। घी, तो ये भी लस्सी घी है, घी देसी शुद्ध, शुद्ध घी। ये सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, ठीक है? अब देखिए मिल्क के बाद में आता है हनी। क्या? हनी, हनी कहाँ से मिलता है? हनी मिलता है बी हाइव से। कहाँ से मिलता है? हनी माने शहद, हनी माने शहद। और हनी मिलता है अपने को बी हाइव से, बी हाइव मींस मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, ऐसे होता नहीं है, इसको अपने ऐसे लिख लेते हैं मधुमक्खी का घर, ठीक है? मधुमक्खी का घर। जो आपका हनी होता है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा में विस्कस होता है, गाढ़ा में विस्कस होता है। और स्वीट होता है, और स्वीट होता है, ठीक है? तो आपका हनी है वो बी हाइव से निकलता है, स्वीट होता है और विस्कस होता है, ठीक है? और बनाती कौन है हनी को? हनी को बनाती है हनी बी, हनी बी यानी कि मधुमक्खियां, इसको बनाती है हनी बी यानी मधुमक्खियां, इसको बनाती है मधुमक्खियां। हनी के बाद में है एग, एग कौन देता है? एग आपको मिलते हैं हैन से, डक से, ठीक है? और एग के अंदर बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन, एग के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है? तो अपनों ने क्या क्या बात कर ली? अपनों ने बात कर ली मिल्क के बारे में, जो फर्स्ट नंबर पे था, मिल्क से आपकी बॉडी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है, बॉडी बिल्ड अच्छी होती है, ठीक है? मिल्क से बनता क्या क्या है? मिल्क से घी बनता है, बटर पनीर बनता है, कर्ड दही बनता है, चीज मक्खन बनता है, लस्सी बनती है, ठीक है? और उसके बाद में अपना ने बात की कि जो हनी है, जो शहद है, वो बी हाइव के अंदर मिलता है, मधुमक्खियों के जो घर होते हैं वहां से मिलता है, ये विस्कस यानी कि गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता, पतला जैसे पानी है वो पतला है, ठीक है? अगर अपने गिराना चाहे तो इजीली गिर जाएगा। शहद है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, वो विस्कस होता है, वो गिरता नहीं है इजीली, ठीक है? स्वीट होता है, मीठा होता है। और बनाती कौन है इसको? हनी भी बनाती है। उसके बाद में उन्होंने बात की एग, एग अपने को हैन यानी मुर्गी से मिलता है, ठीक है? और एग के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी को बढ़ाता है, ठीक है? अब देखिए इसके अलावा क्या चीजें मिल सकती हैं आपको, आप बताइए। एनिमल से, एनिमल से खुद मीट मिलता है, क्या मिलता है? मीट, ठीक
आदमी ये काम करते हैं कि वो अपने फूड के अंदर मीट खाते हैं, ठीक है। तो मीट कहाँ कौन से जानवर को खा सकते हैं? मीट के लिए ज्यादातर खाते हैं शिप को, चिकन चिकन और गॉड, ये एनिमल हैं जो ह्यूमन खा जाते हैं अपने फूड के, ठीक है। अब देखिए, अब रीजनल फूड आपके एक टॉपिक है आगे, रीजनल फूड। तो रीजनल फूड का टॉपिक है, उसको लेते हैं। रीजनल वर्ड का मतलब होता है किसी भी एरिया के ऊपर स्पेशल, ठीक है। रीजनल वर्ड का मतलब होता है किसी एरिया का स्पेशल, यानी कि रीजनल फूड जो रीजनल फूड है उसका मतलब ये हो गया कि ऐसे फूड जो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग हो, ठीक है, रीजनल फूड होते हैं, ठीक है। रीजनल वर्ड का मतलब निकलता है क्षेत्रीय, और क्षेत्रीय वर्ड आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। रीजनल का आप याद रखिए कि जगह, कोई जगह से जुड़ी हुई फूड आपका फूड होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों कह रहा हूँ मैं, जो आपका भारत है, जो आपकी इंडिया है, जो कंट्री है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। कहीं पे कोई से लोग कोई फूड खा रहे हैं, कहीं पे कोई से लोग कोई फूड खा रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना हो इडली और सांभर का नाम, इडली और सांभर या इडली और डोसा का नाम, ठीक है, जो आपका इडली डोसा आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे फोटो दिख रही होगी आपको इडली और डोसा की। हाँ, यही ये इडली और जो डोसा है वो साउथ इंडिया, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया पार्ट है वहाँ पे लोग हैं वो इडली और डोसा खाते हैं, ठीक है। इडली और डोसा खाते हैं कौन? साउथ इंडिया के लोग, ठीक है, साउथ इंडिया के लोग। अब देखिए, जो एक और आपने नाम सुना होगा फाफड़ा, ठीक है, क्या नाम सुना होगा? फाफड़ा या ढोकला, या ढोकला, ढोकला खांडवी, ढोकला खांडवी, ये आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रही होगी आपको स्लाइड, एक स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं खांडवी और ढोकला की फोटो, ठीक है। खांडवी और जो ढोकला है वो आपके मिलते हैं गुजरात के अंदर, वो आपके गुजरात के अंदर, ये आपका गुजरात है, तो वो आपका कहाँ बनता है? गुजरात के अंदर ये ज्यादा बनते हैं कौन? ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, ये सारे के सारे गुजरात के अंदर बनते हैं, ठीक है। देखिए, जो नॉर्थ इंडिया है ये, यानी कि इंडिया का जो ऊपर वाला भाग है, वो वहां के लोग चपाती यानी रोटी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। चपाती वैसे ज्यादा खाते नहीं, मतलब नंबर के अंदर नहीं, कहने का मतलब है कि उनका जो फूड है वो है चपाती, ठीक है। जो नॉर्थ इंडिया जिसके अंदर अपन आते हैं, वो लोग ज्यादातर चपाती ही फूड के रूप में फेमस है, ठीक है। अगर अपने राजस्थान की बात करें, ये अपना राजस्थान है, यहाँ से ऐसे अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो फेमस आइटम है फूड के मामले में, वो है दाल बाटी, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, क्या फेमस है राजस्थान का? दाल बाटी चूरमा। और इसके अलावा एक गट्टे की खिचड़ी, किसकी? गट्टे की खिचड़ी, ये भी राजस्थान का फेमस है। अगर दाल बाटी चूरमा आपने नहीं देखा है कभी भी, तो यहाँ जो फोटो दिख रही है, स्लाइड दिख रही है, उसके अंदर देख सकते हैं राजस्थान का फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा स्लाइड के अंदर, और गट्टे की खिचड़ी भी आपको दिख जाएगी अभी। तो ये गट्टे की खिचड़ी है,
गट्टे की खिचड़ी भी फेमस है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और एक राजस्थान की फेमस डिश और है कैर सांगरी, ये भी आपको यहाँ दिख रही होगी आप, कैर सांगरी ये भी राजस्थान की फेमस डिश है, ठीक है। तो अपने रीजनल फूड्स के अंदर बात करें तो जो अलग अलग जगह पे अलग अलग फूड लेने का जो ट्रेडिशन है उसको बोलते हैं रीजनल फूड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया जो साउथ इंडिया लोग हैं वो इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं, या उनका जो रीजनल फूड है, ट्रेडिशनल फूड है, वो इडली डोसा है। गुजरात के लोगों का ढोकला, फाफड़ा, खांडवी, ये सब। और अगर अपन जहाँ राजस्थान के अंदर रह रहे हैं उस राजस्थान के फेमस फूड कौन कौन से हैं, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी एंड केर सांगरी, ये सब्जी होती है बेसिकली, वेज होता है ये। तो इतनी चीज़ें अपनी राजस्थान की फेमस हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी आपको जल्दी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। आपने पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा।